फ्रेंड्स रजनीश पाटीदार लक्ष्य MBBS इंदौर और अभी हम हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली पर जहां हमारे स्टूडेंट आज नानजिंग यूनिवर्सिटी TCM के लिए फ़्लाई किए हैं। सारे स्टूडेंट फ्लाइट में बैठ चुके और फ्लाइट जस्ट टेक ऑफ करने वाला है और अभी हमारे साथ अभिषेक के पेरेंट धनंजय जी हैं जो यहाँ दिल्ली में ही हैं और उनने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि फैमिली से अभिषेक डॉक्टर बन के आया और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें, तो काफ़ी गाइड किया उन्होंने और एयरपोर्ट भी पूरी फैमिली के सभी लोग, उनके सिस्टर, उनके मदर्स एंड सभी लोग आए हुए हैं। तो मैं भी कि हम बस यही जानना चाहेंगे कि अभिषेक ने जो डिसीजन लिया उसमें कैसे क्या आपका हेल्प रहा, देन चाइना जाने का, जो अब्रॉड जाने का उन्होंने डिसीजन लिया। बहुत सारे बच्चे जैसे हैं कि जो इंडिया के अंदर फाइट करते हैं, काफ़ी टाइम उनका चला जाता है और यहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि इंडिया में काफ़ी कम सीट्स होती है। तो अब्रॉड का जो डिसीजन आपकी पूरी फैमिली ने मिल के लिया उसके बारे में आप कुछ कहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो आपके इस मैसेज से काफ़ी स्टूडेंट को एक हेल्प मिलेगा डिसीजन लेने में। मैंने ये देखा कि बच्चे काफ़ी टैलेंटेड होते हैं लेकिन हिंदुस्तान में सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजों के अभाव में उन बच्चों को अपने टैलेंट का और प्रतिभा को निखारने का मौका नहीं मिल पाता। और हमने ऐसा अपने बच्चे में देखा कि उसने काफ़ी कोशिश किया लेकिन मेरिट में आने से वंचित रह गया, जिससे उसे गवर्नमेंट कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल पाया। फिर भी मैंने निर्णय लिया कि बच्चे की प्रतिभा को देखते हुए, उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए कि अगर बच्चे में काबिलियत है, मेहनत है, तो बाहर से भी जाके वो इस हौसले के साथ इस डिग्री को प्राप्त कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। और हमने उसके इस दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ अपने संकल्प को सम्मिलित किया और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रेरणा में हमारे सबसे मुख्य सहयोग रजनीश पाटीदार साहब रहे। इनके साथ मिलने के बाद तो ये हमारा रास्ता इतना सरल और सुगम हो गया। मुझे यही नहीं लगा कि हम हिंदुस्तान के कॉलेजों में प्रवेश दिलवा रहे हैं या बाहर के कॉलेजों में। और मैं सभी छात्रों और अभिभावकों से अनुरोध करूँगा कि अगर इस तरह के हमारे रजनीश पाटीदार साहब जैसे लोग मिल जाएं और इनकी सहायता मिल जाए तो इससे हमारे बच्चों का भविष्य और सुगम और उज्जवल हो सकता है, बशर्ते बच्चे में भी लगन होना चाहिए। और जहां तक वहां तक हम नहीं पहुंच पाते, कई बार हमारे मन में अनेक तरह की असुविधाएं और दुविधाएं आती हैं जिनकी वजह से भी हम वंचित रह जाते हैं, तो अगर इन जैसे लोगों का हमें सान्निध्य प्राप्त हो जाता है तो ये दुविधा भी दूर हो जाती है और हम सफलता की ओर अग्रणी हो जाते हैं। हम सभी भाइयों से संबंधित, यानी अपने पेरेंट्स जो बच्चों के हैं और अपने उन बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह का अगर उनमें टैलेंट है तो उस टैलेंट को दबाएं नहीं बल्कि उभर कर आगे आएं और पाटीदार साहब जैसे लोगों की सहायता लेकर आगे बढ़ें। मेरी यही उनसे कामना है। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अंकल जी। आपके इस मैसेज से हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे पेरेंट्स इसको देखेंगे और काफ़ी सारे लोगों में एक हेजिटेशन होता है कि अब्रॉड जाने के लिए बच्चे को कैसे अकेला भेजे, अकेला बच्चा वहाँ सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन उसका टेक केयर करेगा, पहली बार बच्चा फ्लाइट में बैठ रहा है, बहुत सारे एक असमंजस पेरेंट्स के अंदर होते हैं। तो जैसे कि आपने अभी तक हमारा जो ट्रीटमेंट लक्ष्य MBBS का और हम लोगों की पूरी टीम का जो ट्रीटमेंट अभिषेक उनके फादर के साथ आपके साथ अभी तक जो हमारा फैमिली और एटमोसफेयर रहा उसको देखकर आपको क्या लगता है, कोई बच्चा हमारे साथ आने के बाद सेफ हैंड में है, उनके पेरेंट्स को हम पर विश्वास कर लेना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल करना चाहिए। हमने अभी तक देखा जो कि आप पेरेंट्स से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उनको हर तरह की मदद करने की कोशिश किया और अभी भी आप उनके प्रति इतना सहानुभूति रख रहे हैं कि यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चों की फ़्लाइट यहाँ चली जाए। इससे हम समझ सकते हैं कि आपकी सहानुभूति और आपके उनके प्रति देख रेख की प्रतिक्रिया बहुत ही कठोर और बड़ी ही अच्छी है। थैंक यू अंकल जी। मैं भी कि आपका ये मैसेज से काफ़ी सारे पेरेंट्स, क्योंकि जनरली कंसल्टेंट्स का होता है कि काफ़ी सारे कंसल्टेंट के साथ जब बच्चे मिलते हैं तो उनको एक सही यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाता है, सेकेंडरी कहीं पैसे को लेके इनके साथ बड़ा चीटिंग हो जाता है कि कितना पैसा बोलते हैं, कोई हिडन चार्जेस उनसे ले लिया जाता है, बाद में अलग अलग टाइप के अमाउंट्स का उनको बोला जाता है। तो अभी तक हम लोगों की कंसल्टेंसी ने आपसे पेमेंट को लेकर जो बात किया उससे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज किया या एक्स्ट्रा पैसा आपसे लिया, ऐसा कहीं कुछ रहा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं समझ में आया। और यहाँ तक कि सबसे इससे बढ़िया प्रूफ क्या हो सकता है कि आपके उन बच्चों से भी बात हो गई जो ऑलरेडी 2 साल से वहाँ पर अध्यापन के कार्य में रहते हैं, उन बच्चों से बात हुई और ये सब जानकर और अत्यंत प्रसन्नता हुई और मजबूती से छानबीन भी हो गई कि पाटीदार साहब का काम बहुत ही साफ सुथरा और नेक है।
और ऐसे लोग अगर मिल जाएं तो लोग आगे बढ़ने में कतई पीछे नहीं होंगे और हम बार बार यही अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों के सानिध्य में ज़रूर आप बढ़ें। थैंक यू अंकल जी और सारे पेरेंट्स इस वीडियो को जो देख रहे हैं, आपसे बस यही है कि कंसल्टेंट से जाके मिलिए, उनके काउंसलिंग के बारे में समझिए, उनके जो स्टूडेंट पहले गए हैं सारी छानबीन के बाद अपने बच्चों को डिसीजन कीजिए कि किस कंसल्टेंसी के थ्रू आपको बच्चे को भेजना है, क्योंकि बच्चे के करियर की बात है, उन्हें 6 साल पूरा गाइडेंस हमको करना होता है, 6 साल पूरा टाइम देना होता है, हम टाइम टाइम पर यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चों का पूरा टेक केयर करते हैं। बस यही है कि आपके और बच्चों के बीच में एज ए कंसल्टेंट ही एक व्यक्ति होता है जो पूरे 6 साल एज ए पुल, एज ए ब्रिज की तरह काम करता है। तो बस आपका एक सही डिसीजन कि हमें किस कंसल्टेंसी से वर्किंग करना है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हमारी जो काउंसलिंग टीम होती है दिस इज़ द राइट काउंसलिंग। तो थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू।